करो का नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। प्रथम चरण के मतदान को देखते हुए दूसरे चरण में भी सपा की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता ने कानपुर से सपा मेयर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी से खास बातचीत की। इस दौरान वंदना वाजपेयी ने कहा कि समय पर बदलाव बेहतर है, अगर जनता ने समर्थन किया तो जनता को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने काम किया है और आगे भी काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले जनता के लिए पेयजल की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। मेयर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी, आइए उनसे बात करते हैं कि मुद्दों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा साफ सफाई का मुद्दा है, पेयजल का मुद्दा है और जाम प्रदूषण ये सारे मुद्दे हैं। अगर जनता ने समर्थन किया तो क्या करना चाहती है? जनता की सबसे पहले तो साफ सफाई में पेयजल पे काम करूंगी, आवारा पशु जो घूम रहे हैं उन पे काम होगा, ये सारे काम होंगे। आप क्या संदेश देना चाहती हैं? यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे आगे बढ़ाने का काम करें, ईमानदार प्रत्याशी को आगे बढ़ाइए। हमारा मोदी जी वंदना वाजपेयी जी हमारे प्रत्याशी रहे, उन्होंने ये कहा कि एक बार हमें मौका दे कि जनता के लिए बहुत सारे काम जो चाहिए, सबसे पहले पेयजल काम करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता अपना किस प्रकार का करेगी और आने वाले प्रत्याशी मेयर किस प्रकार का वीडियो जो हमारे प्राइम टीवी में। कानपुर में निकाय चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जमकर मेहनत कर रहे हैं, चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 56 अनवरगंज में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी नूर आलम अज्जू कुरैशी भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लगातार वो लोगों के बीच में जाकर उनसे मिल रहे हैं और आज वार्ड 56 में अनवरगंज से उन्होंने भव्य जुलूस निकाला। इस जुलूस को लेकर जनता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का काफी समय बाद आज विशाल जुलूस देखने को मिला है। इस दौरान पार्षद प्रत्याशी ने जनता से हाथ जोड़कर समर्थन देने की बात कही। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी कमाल खान, सलीम हीरो, शकील रायनी, डब्बू कुरैशी, इमरान खान और राजू भाई आदि लोग मौजूद रहे। हमारे साथ मौजूद है वार्ड 56 के अनवरगंज प्रत्याशी नूर आलम, आइए हम इनसे बात करते हैं। आज इनका जनसंपर्क था, इनसे बात करते हैं। जनता से संपर्क करने के बाद इनको जनता ने क्या आश्वासन दिया? हमारे साथ मौजूद नूर आलम। जनता ने आज हमें जो है अपना उत्सव दिखा के प्यार हमारे पर दिखाया और जनता हमसे बहुत भरोसा करती है। अब की जो काम किया है आने वाले 5 सालों में इससे बेहतर और अच्छा काम करेगी। अगर जनता ने इन्हें समर्थन दिया तो जनता के क्या करना चाहेंगे, इनसे ये भी सवाल पूछते हैं। जनता, अगर जनता ने हमारे पर भरोसा किया तो शिक्षा पे और एक बड़ा शाला बनाएंगे और 2-3 जो अस्पताल मेरे भगत सिंह आले बंद पड़े हैं उस पे काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 56 के पार्षद कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी नूर आलम जी। इन्होंने कहा है कि अब तक जनता ने अपनी समर्थन दिया तो हम 12 शालाएं बनाएंगे और पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं रिजवान आलम, प्राइम टीवी न्यूज, कानपुर। कानपुर में निकाय चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जमकर मेहनत करके चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ने का भरपूर प्रयास करें। इसी क्रम में अब वार्ड 101 चौक सराफा क्षेत्र में आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद साकिब के समर्थन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता शामिल हुए और अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि उन्होंने क्षेत्र की गलियों में जाकर जनता से मोहम्मद साकिब का समर्थन करने की बात कही। इस दौरान मुख्य रूप मेयर प्रत्याशी और पार्टी के नगर अध्यक्ष आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। और किन मुद्दों पर चुनाव, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रत्याशी हूँ वार्ड 104 सराफा से। किन मुद्दों को लेकर आपको चुनाव मैदान में उतरे? मैं सबसे पहले, मेरे मोहल्ले में कोई भी मोहल्ला क्लीनिक नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पे सीवर लाइन नहीं पड़ी है। मैं इन समस्याओं पे चुनाव लड़ रहा हूँ, जीतने के बाद मैं ये सब काम सबसे पहले कराऊंगा। अगर जनता ने आपको समर्थन किया तो आपका प्रथम कार्य इस क्षेत्र के लिए क्या होगा? सबसे प्रथम कार्य मेरा ये होगा कि 5 साल हम जनता के बीच रहेंगे और जन समस्याओं को सुनते रहेंगे और उसका निष्कर्ष भी करते रहेंगे। कानपुर शहर के युवा सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं, तो ऐसा क्या लगा आपको जो आपको मुझे जन समर्थन मिल रहा है और यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बड़े जितने भी हमको समर्थन दे रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें बड़ी जीत मिलेगी।
तो ये थे हमारे साथ, हम ये थे हमारे साथ सबसे कम कानपुर शहर के इंडियन यूनियन लीग के प्रत्याशी मोहम्मद साकिब, जिनका कहना है कि सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे, अगर जनता ने समर्थन दिया तो हम जनता के सारे किए हुए वादों को पूरा करेंगे। वीडियो ने शुभम के साथ, मैं रिजवान आलम, प्राइम टीवी न्यूज कानपुर। कानपुर में वार्ड 106 कोलकाता निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी पद के लिए विवेक मिश्रा मैदान में उतरे हैं। निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी विवेक मिश्रा का कहना है कि क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से जनता बहुत परेशान रहती है, इसके अलावा पाइपलाइन में गंदा पानी और कूड़ा आता है। उन्होंने कहा कि हम सालों से क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं, हम जनता को अपने परिवार के रूप में देखते हैं, अगर जनता ने हमारा समर्थन किया तो हम क्षेत्रीय जनता की इन सभी समस्याओं को बहाल करेंगे। विवेक मिश्रा मेरा नाम है, वार्ड 106 से पार्षद प्रत्याशी हूँ निर्दलीय। मुद्दे ये हैं हमारे कि यहाँ पर जल भराव, नाली चौक होना, कूड़ा समय से ना उठना, पेयजल की जो लाइनें पड़ी हुई हैं उनका टूटकर सीवर लाइन साथ मिलके गंदा पानी घरों तक पहुँचना, यही सब मुद्दे हैं। राशन कटना, बहुत से सारे हमारे यहाँ क्षेत्रीय जो जनता है उनके शिकायत है कि राशन वाले राशन काट के देते हैं, पूरा राशन नहीं देते हैं। जनता का समर्थन मिलेगा तो इन्हीं समस्याओं पर सबसे पहले काम करूंगा। कहीं कहीं पर पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी की टंकियां नहीं लगी हुई है, बड़े बड़े 15-15, 20-20 घर हैं जिनके पास पानी की सप्लाई की पूरी व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन अंदर तक गई नहीं है, छोटी छोटी गलियों का क्षेत्र है। तो कोशिश करूंगा जहाँ पर हाथे टाइप की जगह है वहां पर पानी की व्यवस्था समुचित करा दूं और सफाई की व्यवस्था कुछ करा दूं, क्योंकि सफाई है, कूड़ा नहीं उठता है, बीमारियां फैल रही है, बच्चे बीमार होते हैं घर में, बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं, उसके बाद कूड़ा फंसता है नालियों में जाके, सफाई ना होने के कारण तो चोकिंग की वजह से पानी जल भराव होता है, जनता को वो भी समस्या झेलनी पड़ती है। इन्हीं समस्याओं पर अपना काम करने की कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं, जनता का जो अधिकार है, जो जो कि कर्मचारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उन दोनों लोगों की भ्रष्टता के कारण जनता का काम नहीं होकर जो जनता के लिए पैसा आ रहा है और वो दोनों की मेलजोल से उनकी जेब में भरा जा रहा है, उसको बंद कराकर कोशिश करूंगा जो जनता का अधिकार है जनता तक पहुंच जाए। आज के लिए नगर संग्राम में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।